नमस्कार। आज फिर अपराध की एक और घटना लेकर मैं आया हूं। यह घटना भी स्थानीय है, गोरखपुर के अखबार की छपी है। इन सारे जो मैं आपको बता रहा हूं इसकी कटिंग में पोस्ट कर रहा हूं कम्युनिटी में, जिसे आप देख सकें। घटना 8 मार्च की है। मोडस ऑपरेंडी वही जो मैं बार बार बता चुका हूं कि सादे में लोग आएंगे, ये बताएंगे कि हम पुलिस वाले हैं, ये भी बताएंगे कि आगे कोई घटना हो गई है, एक लिफाफा देंगे, अपने सब गहने इसमें उतार कर रख के और उसे सुरक्षित रख लीजिए वरना रास्ते में कोई छीन लेगा। आप अपने गहने उतार के उसको देंगी, लिफाफे में रखने के बजाय उसे कहीं खिसका देगा और कंकड़ पत्थर रखा हुआ एक लिफाफा आपको पकड़ा देगा। 8 तारीख को इसी से मिलती जुलती घटना हुई। पिपरा बाजार में निबुआ नौरंगिया पुलिस को तहरीर मिली कि वर्दी में आए दो युवकों ने 2,00,000 रुपए के जेवर उनसे ठग लिए। पढ़रौना कोतवाली के कसेरा टोली निवासी अशोक कुमार वर्मा, जो निबुआ नौरंगिया थाने से करीबन 100 मीटर की दूरी पर पिपरा बाजार में उनकी दुकान है, उन्होंने कहा कि सोमवार को दोपहर उनकी दुकान पर पुलिस की वर्दी में 2 लोग आए, उन्होंने 2,00,000 रुपए का जेवर देखा, अपने आप को किसी थाने का थानाध्यक्ष बताया, साथ वाले को उसी थाने का सब इंस्पेक्टर बताया और ये भी बताया कि हम पास के थाने वही निबुआ नौरंगिया के कैंपस में ही रहते हैं और मैं इस आभूषण को या इस जो ज्वेलरी ली है इसको अपने घर वालों को दिखाकर अभी आता हूं। आप चाहें तो इस सब इंस्पेक्टर को मैं बाहर खड़ा करता हूं या चाहें तो मेरे साथ वहां तक थाने तक चलें। अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि मैं अभी दुकान पे अकेला हूं, मैं नहीं चल सकता। ठीक है, आप जा रहे हैं तो दिखाकर ले आइए। जैसे ही वो दोनों निकले, वो दुकान के बाहर उनको जाता हुआ देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो उसी थाने के भीतर गेट के भीतर घुस गए। इसको इत्मीनान हो गया कि थाने से ही आए हैं। जब वो शाम तक नहीं लौटे तो वो थाने पर पहुंचा। आसपास की दुकानों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाली गई और ये पता लगा इन दोनों में से कोई भी थाने पर तैनात नहीं है, बल्कि शहर में 2 घटनाएं जो इस तरह की हुई थी क्योंकि ये वर्दी पहनकर आए थे। वर्दी वाली सीसीटीवी की ये फुटेज सब जगह सर्कुलेट की गई। वो किसी थाने पर या किसी ऑफिस में तैनात पुलिसकर्मी नहीं थे, जालसाज थे, लुटेरे थे। मुकदमा कायम करके और जो एसओ हैं वहाँ के गिरिजेश उपाध्याय, उन्होंने दुकानदार से तहरीर लेके FIR लिख के इसकी विवेचना कर रहे हैं और उनका बयान छपा है कि वो बहुत जल्दी दोनों अपराधियों तक पहुंच जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।